अफशीन जमान, लेक्चरर आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। आज जो आप लोग एग्जीबिशन देख रहे हैं, इसकी जो थीम है वो है कल्चरल जर्नी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है टूरिज़म एंड कल्चर अथॉरिटी ने, और यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ में आपको काम नज़र आएगा। फर्स्ट वन है पेंटिंग, सेकेंड है कैलीग्राफी एंड थर्ड वन है क्राफ्ट एंड स्कल्पचर। इस एग्जीबिशन में तकरीबन 80 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर जो आर्ट वर्क है वो तकरीबन 90 प्लस है। स्टूडेंट्स ने अपनी बहुत एक अच्छी काविश की अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए। यहाँ पर आपको कैलीग्राफी जो नज़र आएगी उसमें भी स्टूडेंट्स ने कल्चरल टच जो है वो दिया है, लेकिन जो पेंटिंग जो है उसमें आपको डायरेक्ट जो है एक कॉन्सेप्ट नज़र आएगा जिसमें आपको खैबर पख्तूनख्वा के पोर्ट्रेट्स, उनकी उनका आर्किटेक्चर, उनका क्राफ्ट और उनके हैंडीक्राफ्ट्स आपको नुमाया नज़र आएंगे। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है जो क्राफ्ट और स्कल्पचर्स की, उसमें आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कल्चरल फीचर्स हैं उस पर स्टूडेंट्स ने काम किया है और किस तरह मॉडल मेकिंग में और जो है अपने क्राफ्ट में उनको शो किया। ऐसे एग्जीबिशंस का फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। नॉर्मली जो आर्ट एंड डिज़ाइन या आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी पेंटिंग बना लेते हैं, बहुत खामोशी से अपने एक्सप्रेशंस को उसमें शो करते हैं, बट जब ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं तो स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस आता है। लोग आते हैं, उनकी पेंटिंग्स को देखते हैं, उनको सराहते हैं, उनमें मज़ीद काम करने का हौसला जो है वो बढ़ता है और अप्रिसिएशन होती है। और आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ एक्सप्रेशन, एक आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं चाहिए होता, उनको सराहना जो है वो हमें ज़रूर चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूँगी कि ऐसे एग्ज़िबिशंस को प्रमोट किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पब्लिक पीपल जो हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें।